नमस्कार। अभी दो दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी और खेतों के अंदर एक कुई है जिसके अंदर फरमे डाल रखे हैं, तो उसके अंदर एक सांप देखा गया है। तो दो दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा था उनके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए आज जा रहे हैं। तो आज चलो देखते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं और बचाने की कोशिश करेंगे उसको। तो हम उस जगह पहुँच चुके हैं और अभी देखा हमने, ये एक रेड सैंड बोआ का बच्चा है। तो देखते हैं अभी इसकी, अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मर चुका है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं निकालने की। तो इसको ये ज़्यादा गहराई नहीं है और अपनी टोंग से निकालने की कोशिश करते हैं, इसके नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। एक रेड सैंड बोआ का बच्चा है जो अब मर चुका है शायद। ये मर चुका है, ये हमारा मिशन फेल हो चुका है। एक सांप को हम बचा नहीं पाए, ऊँचा जो है गल चुकी है। और उन्होंने भी, जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था, वो भी शायद मेरे पास फ़ोन करने में लेट हो गए। और ये देखिए त्वचा इसकी गल चुकी है, उसको दफना देते हैं। इसको हम यहाँ पे दफना देते हैं। हमने इस सांप को यहाँ पे दफना दिया है और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम कामयाब नहीं होने पाते, क्योंकि अगर टाइम पे उसको देख लेते हैं तो बच भी जाता है। और इसको तो 4-5 दिन हो गए मरे हुए को, तो जिन्होंने ये बताया था मेरे को फ़ोन करके, तो उन्होंने भी लेट ही देखा था इसको, तब तक ये मर चुका था। उन्होंने बता दिया था कि इसके ऊपर रेत है, मतलब ये रेत के अंदर छुपा हुआ है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि रेत के अंदर छुपा हुआ होगा, लेकिन जब आके देखा है तो ये तो 4-5 दिन पहले से मरा हुआ है।